चंदौली में पशु आश्रय में मृत गोवंश का चमड़ा निकालने का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप। जांच के आदेश। जनपद चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटपरा गांव स्थित पशु आश्रय केंद्र के बाहर 3 मृत गोवंश का चमड़ा निकालने का वीडियो वायरल होते ही मच गया हड़कंप। ग्रामीणों के हो हल्ला और मामले को अधिकारियों के संज्ञान में आते ही जाँच के आदेश दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार संलिप्त लोग जांच टीम के पहुंचने के पूर्व शव पर मिट्टी डालकर फरार हो गए। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे सफाई कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विदित हो कि यह पहली घटना नहीं है कि पुलिस पशु आश्रय स्थल की बदहाल व्यवस्था की। इससे पूर्व भी ऐसे तिल तिल कर मरती गोवंशों का वीडियो वायरल हो चुका है। इस वीडियो में देख सकते हैं पशु आश्रय स्थल में मृत 3 पशुओं को दफनाए जाने वाले स्थान पर चमड़ा निकाला जा रहा है। ग्रामीणों के हो हल्ला पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अभी तक सफाई कर्मी को हिरासत में ले लिया है। वायरल वीडियो की सूचना पर मामले को संज्ञान में लेते हुए PDDU नगर के SDM सिपू गिरी व मुख्य पशु चिकित्सक डॉक्टर SP पांडे ने मौके पर पहुंचकर प्रधान चिकित्सक व सफाई कर्मी से पूछताछ की। इस दौरान 3 गोवंशों को दफनाए जाने की बात सामने आई है। पड़ताल कर रही टीम को गोवंश के शव समेत एक स्थान पर निकला गया चमड़ा मिला। इस बाबत SDM सिपू गिरी ने कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।